बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के कोर्स में आज का जो टॉपिक है वो है इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग क्या है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, फिर हम कोई भी जो है इंजीनियरिंग टर्म के कोई भी सॉफ्टवेयर किस तरह बनता है, और इंजीनियरिंग जो है मल्टीपल जो सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कोई भी, हम इसको उसको इस लिहाज से कंपेयर करेंगे कि इस तरह जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो वो किस तरह डिफरेंट है और इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं। सो इंजीनियरिंग, बिफोर मूविंग ऑन टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लेट्स फर्स्ट डिस्कस समथिंग अबाउट इंजीनियरिंग इटसेल्फ। के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आगे जाते हुए हम पहले ये डिस्कस करें कि असल में इंजीनियरिंग है क्या, कि इंजीनियरिंग क्या है, और इस तरह मल्टीपल टाइप्स के इंजीनियरिंग की अगर हम देखें, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में नहीं, क्या और भी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं। ठीक है, इफ़ यू सर्वे सम ऑफ द डिक्शनरीज देन यू विल फाइंड द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव यूज ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज, किसी साइंटिफिक नॉलेज को जो है हम उसको यूज़ करें फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग समथिंग। ठीक है, तो इस टर्म से अगर आपको अंदर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव यूज़ के, इसी साइंटिफिक नॉलेज को हम किसी प्रोडक्टिव यूज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करें, ठीक है, यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज कॉल्ड द इंजीनियरिंग। जिस तरह कंप्यूटर साइंस के जो मल्टीपल टर्म्स हैं, मल्टीपल जो है कंप्यूटर साइंस एक्चुअली इज साइंटिफिक नॉलेज एंड वी यूज़ दैट साइंटिफिक नॉलेज टू फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। या अगर आप देखें मैकेनिक्स है फिजिक्स के का जो है एक जो है ब्रांच है, सो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विल बी यूज इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ब्रांच है दैट विल बी यूज इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो फिजिक्स की ही ब्रांच है। इस तरह अगर आप देखें जूलॉजी है, सो जूलॉजी जो है अगर आप देखें ये भी एक साइंस है, एक साइंस साइंटिफिक नॉलेज है। ठीक है, तो उसको मेडिकल फील्ड में उस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं कि उसके प्रोडक्टिव अब कोई साइंटिफिक है इन टर्म की, इस तरह जूलॉजी हो गया उसी के टर्म्स में, जैसे कि कोई वो है तो उसको जो है प्रॉपरली उसको यूज़ में लाना एक डॉक्टर कर सकता है, वो एक साइंटिस्ट नहीं कर सकता, वो एक इन्वेंशन कर सकते हैं। So that invention will be used for the engineering purpose. So किसी भी specific knowledge को, किसी specific scientific knowledge को अगर हम for the use of any जो है हम इसको use करें किसी भी काम के लिए, for the use of any purpose हम किसी engineering field में, तो depend करेगा कि हम किस engineering field की बात कर रहे हैं। अगर वो software engineering है तो फिर वो साइंटिफिक नॉलेज इस केस में कंप्यूटर साइंस नॉलेज होगा। अगर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिक्स जो है एक फील्ड, साइंटिफिक फील्ड है, फिजिक्स की फील्ड है, दैट विल बी यूज्ड फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस तरह जो है मल्टीपल जो है साइंटिफिक नॉलेजेस दैट आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्टिव यूज़, जो कोई सी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्टिव यूज़ में वो साइंटिफिक नॉलेज यूज़ हो जाए, सो दैट यूजेज ऑफ नॉलेज इज़ कॉल्ड द इंजीनियरिंग। सो डिपेंड करेगा कि कौन सी इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, आया वो मैकेनिकल है, आया वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, आया वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, या वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है फिर उसके लिए जो है वही उनका जो है जेनेटिक्स की जो फील्ड है, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली जूलॉजी की फील्ड है, तो जेनेटिक्स का नॉलेज एक साइंटिफिक नॉलेज है वो होनी चाहिए, दैट इज़ बी यूज फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस तरह जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज है दैट कैन बी यूज इन फॉर द प्रोडक्टिव यूज़, दैट कैन बी यूज फॉर द एनी प्रोडक्टिव पर्पस, सो दैट इज़ द इंजीनियरिंग, सो दैट इज कॉल्ड द इंजीनियरिंग किसी भी साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पर बात की गई है कि डिफरेंस बिटवीन द कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों में क्या डिफरेंस है, जिस तरह मैंने अभी पहले डिस्कस किया है कि द साइंटिफिक कंसर्न विद, जिस तरह कोई भी साइंटिफिक नॉलेज को अगर हम किसी
जो है पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करें किसी ख़ास मकसद के लिए, ठीक है, दैट इज़ द इंजीनियरिंग इन डेट। सो यहाँ पे जो है अगर कंप्यूटर साइंस के फील्ड को हम यूज़ करें, कंप्यूटर साइंस के नॉलेज को यूज़ करें फॉर द एनी जो है प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ करें किसी काम के लिए किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट, दैट इज़ कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। द साइंटिफिक द साइंस कंसर्न विद पुटिंग द साइंटिफिक नॉलेज टू द प्रैक्टिकल यूज़, द साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल यूज़ में लाना जो है दैट इज़ कॉल्ड द इंजीनियरिंग। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग अवर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस इन इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंस ये है कि अगर हम कंप्यूटर साइंस के जो नॉलेज है उसको यूज़ करें इन इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, फॉर डेवलपिंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर सिस्टम, फॉर डेवलपिंग ऑफ एनी सॉफ्टवेयर टूल, फॉर डेवलपिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी टूल, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, किसी भी टाइप का जो है सिस्टम आ सकता है, बट उसके बैक एंड पे जो यूज़ हो रहा है कौन सा नॉलेज है, दैट इज़ द नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर साइंसेज। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन द कंप्यूटर साइंस एंड अदर कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दोनों में एक्चुअल जो डिफरेंस है वो क्या है, तो आपको यहाँ तक इसकी काफ़ी समझ आ गई होगी।